हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, 4 मार्क्स की है। तो इसमें अपन ने लास्ट देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण चल रहे थे अपने किसके, हेलो एल्केन्स के। उसी में अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, किस प्रकार से है, कौन कौन सी अपने सिलेबस की है वो अपने को देखनी है, कौन कौन सी रिएक्शन अपने को करनी है, अपने को इनको टच करते हुए सारी रिएक्शन जो है वो देखनी है। मैं आपको बता दूं कि पहले कि फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तो आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक तो आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है, जिसको एल्काइलेशन के नाम से जाना जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण एल्काइलेशन, एक तो ये होती है। और दूसरी जो होती है वो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, जिसको एसाइलेशन के नाम से जानते हैं, एसाइलेशन। ये दो प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो अभी अपने पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण जब रिएक्शन होती है तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, यानी, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी आती है तो ये ध्यान रखना कि एरोमेटिक सदस्य होते हैं उन्हीं के साथ ये रिएक्शंस होती है। एरोमेटिक सदस्य जैसे अपने पास है यहाँ पर C6H6 जो कि बेंजीन है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक सदस्य है, तो इसी के साथ ये रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट जो है वो बनता है। एल्किलीकरण में एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, और एसिटिलीकरण जो होता है इसके दौरान क्या करते हैं, CH3C OCl यानी एसिटिल क्लोराइड वो लेते हैं, ये एसिटिल क्लोराइड है। तो यहाँ पर अपना जो रासायनिक गुण चल रहा है वो किसका चल रहा है, एल्किल हैलाइड का चल रहा है, तो एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुण चल रहा है तो इसलिए हम एल्किल हैलाइड ही लेंगे, तो वो होता है एल्किलीकरण के लिए। एसिटिलीकरण जो है तो इसके लिए ये होता है, जबकि ये अपने रासायनिक गुण में अभी नहीं है, तो हम एसिटिलीकरण जो है वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंतर्गत देखें CH3Cl के साथ रिएक्शन है बेंजीन की, तो ये मैं C6H6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये C6H6 है बेंजीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं CH3Cl के साथ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो है वो अपने पास है मेथिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन हो रही है, और उपस्थिति के रूप में यहाँ पर है निर्जल AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, तो इज इक्वल टू यहाँ से आता है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है कि यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण का मतलब है एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट नाम का साइंटिस्ट है उसने दी थी, और बेंजीन वाले जो हैं ये अपने पास एरोमेटिक सदस्य, इसी के साथ ये रिएक्शन होती है। यदि आप यहाँ पर एल्केन ले लेते हैं उसके साथ ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, या एल्किन ले लेते हैं तो वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगी, इसके लिए एरोमेटिक सदस्य होना जरूरी है। तो इसका मैं एक हाइड्रोजन जो वो इस प्रकार से दिखा देता हूँ, H जो H है वो H है यहाँ पर प्लस का, ये Cl है यहाँ पर माइनस का, और ये यहाँ पर अपने पास प्लस का, तो एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हो गई है। इसका H है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बना देगा एक तो HCl का मॉलिक्यूल आउट हो गया यहाँ से, अब CH3 है वो यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है, तो CH3H यहाँ से हटा है, CH3 यहाँ से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही, E+ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी E+ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है उसका यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखता है, जिस पर चार्ज क्या हो, प्लस का हो, तो प्लस का यहाँ से हटता है, प्लस का यहाँ से जुड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया टाइप की रिएक्शन है ESR। इसका जो H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा और यहाँ से HCl निकल गया, तो H जो हटा है इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ गया CH3, ये आ गया C6H5CH3+HCl, तो ये अपनी आ गई पहली रिएक्शन। ये जो होता है इसको बोलते हैं टोलुइन, इसका नाम होता है टोलुइन, या इसको मेथिल बेंजीन भी कहा जाता है। ये CH3 तो हो गया मेथिल, C6H5 हो गया बेंजीन, इसका नाम हो जाए C6H5CH3 यानी मेथिल बेंजीन या टोलुइन, इस प्रकार से। तो पहला जो प्रोडक्ट है अपना ये वाला प्रोडक्ट है,
इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा टोलुइन, ठीक है। रिएक्शन नंबर टू जो है वो है अपने पास C6H6। अपने को सारी रिएक्शंस याद रखनी है इसी प्रकार से, और CH3CH2Cl इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, एक H है, ये H वो इसके माइनस वाले Cl के साथ रिएक्शन करेगा, ये कार्बन वाला प्लस का है, ये वाला यहाँ पर प्लस का है, तो इसका H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना देगा, माइनस क्या हो गया यहाँ से, इसी प्रकार जैसे ये हुआ था वैसे ये हो जाएगा, यहाँ से HCl का मॉलिक्यूल जो है वो तो आउट हो जाएगा, प्लस जो यहाँ पर सेकेंडरी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर CH2CH3, ये हो गया यहाँ से CH2CH3, वो H की जगह पर जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे एथिल बेंजीन, इसका नाम हो जाता है यहाँ पर एथिल बेंजीन, ठीक है। एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, जैसे ये हुआ है टोलुइन का वैसे ही इसी प्रकार से इसका हो जाता है, तो ये बिल्कुल से सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे ये है वैसे ही ये है। इसी प्रकार फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण में नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन है, अपनी ये रिएक्शन भी हो गई है जो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी, आपको समझ में आ गई होगी है। तीसरा अपने पास है C6H6, तो C6H6 जब भी आ जाए तो इसके लिए बेंजीन की रिंग बना दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक C6H6 ही है, ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं, ये ध्यान होना चाहिए, ये बेंजीन बोलते हैं इसको भी, या गोला लगा देंगे तो भी वो क्या है, बेंजीन ही है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अपने पास है CH3CH CH3Cl, जैसे इसके साथ करवाते हैं, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो है ये अपने पास क्या है, मेथ ए ट्रोप आइसोप्रोपिल Cl को बोलेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा यहाँ से आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अपने बेंजीन के साथ करवानी है, तो बेंजीन के ऊपर कोई भी एक एच है इसको ऐसे करके दिखा दीजिए जिस पर चार्ज है यहाँ पर प्लस का, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये Cl है यहाँ पर माइनस का, और ये H है यहाँ पर प्लस का, तो इसका जो H प्लस का है, ठीक है, वो Cl माइनस से रिएक्शन करेगा इस प्रकार से, तो HCl बन जाएगा, HCl यहाँ से आउट होगा, तो मेन प्रोडक्ट अपने पास क्या है इस प्रकार से, ये है, और यहाँ पर जुड़ जाता है CH, इधर CH3 और इधर भी CH3 दोनों तरफ जुड़ गया, प्लस HCl यहाँ से आउट हो जाता है, तो अपने पास एक ये प्रोडक्ट बनता है जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये 1, 2, 3 के ऊपर फेनिल है, 2-फेनिल प्रोपेन, इसको अपन बोल सकते हैं 2-फेनिल प्रोपेन, ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। फेनिल इसको क्यों बोला, क्योंकि ये जो होता है इसको बोलते हैं बेंजीन, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाता तो ऐसे बचता है, इसको बोलते हैं C6H5, एक संयोजकता इसकी खाली पड़ी है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं यहाँ पर फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो दो पर जुड़ा हुआ है ये, तो ये हो गया 2-फेनिल, ठीक है, और मेथ एट प्रोपेन 2-फेनिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो अपने वाली ये रिएक्शन है C6H6 वाली, ये कंप्लीट हो जाती है इस प्रकार से। निर्जल AlCl3 क्यों डाला है, कैसे डाला है, क्या काम करेगा, अभी आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों डाला है। इस रिएक्शन के जस्ट बाद में रिएक्शन नंबर नेक्स्ट अपने पास, ये रिएक्शन सेम ही है, मैकेनिज्म जो है उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने पास ये बेंजीन है, गोला मार दो चाहे एक ही बात है, प्लस CH3 का होल 3 का मतलब हो गया CH3 यहाँ पर तीन बार है, CH3 का होल 3 Cl, ठीक है। निर्जल AlCl3, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो तरीका वही है इसका। पहले आप जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप एग्ज़ाम में इसको अंकित करोगे कि ये क्या चीज़ है, जैसे ये बेंजीन है और ये जो है इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 2 पर मेथिल है, 2 पर ही क्लोरो है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन का तो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये आ गया अपने पास। तो इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ करवानी है, तो यहाँ पर ये जो है वो H है, इसके ऊपर चार्ज है यहाँ पर प्लस का, Cl यहाँ से माइनस का, और ये जो C है वो यहाँ पर है प्लस का, ठीक है। तो इसका जो H प्लस है वो इसके Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। ये 2 क्लोरो वाला ये तृतीयक भी है, मेथ ए प्रोप ब्यूट, मैंने नामकरण में बताया था आपको,
तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, एक ही बात है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड टू क्लोरो टू मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ से H और इसका Cl, HCl निकल जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या आया, जो बेंजीन की रिंग है ये अपने पास है, बेंजीन की रिंग वाली, ठीक है, ऐसे बना दो या वैसे लिख दो, ये आ गया, और इसके ऊपर जोड़ देंगे C, और यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर आ गया CH3, इस प्रकार से CH3 तीन आ जाएंगे, प्लस उसका H उसके Cl से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा यहाँ से HCl, ठीक है। ये वाला हो जाएगा टू पर मेथिल टू फेनिल टू 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 मेथिल टू फेनिल और मेथ एट प्रोपेन, ठीक है, टू पर मेथिल है टू पर फेनिल है और तीन कार्बन का, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका नाम भी जो है हम कर सकते हैं। तो ये अपनी रिएक्शन थी, यहाँ पर ये रिएक्शन नंबर ये वाली। अब अपने ये जो चार रिएक्शंस देखी हैं, चार रिएक्शंस में अपन किसी भी एक रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा मैकेनिज्म यानी इसकी क्रिया विधि जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, किसी भी एक रिएक्शन की क्रिया विधि। तो एक की आ जाएगी तो सबकी आ जाएगी, इसके बाद में हम आगे जो टॉपिक है अपना एरिनियम आयन उसको अपन देखेंगे क्या होता है, मैकेनिज्म से पता चल जाएगा एरिनियम आयन यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने के बाद में चलो मैं आपको इसी की रिएक्शन की मैकेनिज्म सिखा देता हूँ, जैसे ये रिएक्शन थी इसी रिएक्शन की आप मैकेनिज्म देख लेते हैं तो बिल्कुल से आपको उसी समय समझ में आ जाएगा इसकी मैकेनिज्म से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैकेनिज्म क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि अपन देखेंगे, तो इसकी क्रिया विधि अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए देखिए। तो अपने पास थी अपनी रिएक्शन मेन जो थी वो क्या थी, बेंजीन, ये रिएक्शन थी बेंजीन, जिसको अपन ऐसे कर सकते बेंजीन प्लस, इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है CH3 का होल 3 CCl, ठीक है, CH3 का होल 3 CCl इसके साथ करवानी है, और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये अपने को देखना है। तो इसके लिए प्रोडक्ट मैंने अभी बना दिया था, यहाँ पर प्रोडक्ट जो मैंने बनाया था इसका वो था यहाँ पर ये, और इस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग थी, और यहाँ पर C, और इस पर CH3 तीन बार थे, CH3 तीन बार, ठीक है, यहाँ पर ये CH3 तीन बार, तो ये अपना था इसका प्रोडक्ट, प्लस यहाँ से HCl जो है वो आउट हुआ था, ये इसका प्रोडक्ट था। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो क्या रहेगी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर नंबर वन पॉइंट के अपने पास AlCl3 है, ठीक है, और एक तरफ अपने पास CH3 CCl है, ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट CH3 का होल 3 CCl प्लस इसकी रिएक्शन निर्जल AlCl3 के साथ कर लेते हैं। पहले AlCl3 जो उत्प्रेरक है वो इसके साथ रिएक्शन करता है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इससे क्या प्रोडक्ट आएगा कि इसका जो Cl है वो Al के ऊपर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एक तो AlCl4-, ये एक बार इसने Cl ले लिया, इसका Cl है वो खुद ले लेगा, तो AlCl4 बन जाएगा, माइनस Cl माइनस का गया है, और ये माइनस का यहाँ से हटा था इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस का, CH3 का होल 3 CCl, Cl तो हट गया यहाँ से, चार्ज आ गया यहाँ पर प्लस का, प्लस ये CH3 का होल 3 C प्लस, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं कार्बधनाइन। तो कार्बधनाइन जो है वो यहाँ से बन जाता है, या इसको कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, कार्बोकेटाइन या कार्बधनाइन, कार्बधनाइन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। ये कार्बधनाइन जो है वो जुड़ेगा इसके ऊपर, ये जो अपने पास एरिन की रिंग है C6H6 बेंजीन की रिंग है इसके ऊपर, तो बेंजीन की रिंग पर जुड़ेगा, तो ये कैसे जुड़ेगा ये ध्यान से देखेंगे। नंबर टू पॉइंट है यहाँ से, और अपने पास है ये बेंजीन की रिंग इस प्रकार से, और इसमें ये बॉन्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या करेगा जुड़ेगा। तो इस पर ये कैसे जुड़ेगा, इसके लिए जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर एक एच भी प्रेजेंट है, ये एच अपन ऊपर कर देते हैं, प्लस इसका जो CH3 का होल 3 C जो प्लस है, जो अपने लिया था क्या कार्बधनाइन, तो कार्बधनाइन इसके ऊपर जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड की शिफ्टिंग कर देते हैं, जैसे ये वाला जो कार्बन है इसके अंदर बॉन्ड की शिफ्टिंग जो मैं इधर कर देता हूँ, ये जो अपने पास बॉन्ड है इधर भी कार्बन, तो डबल बॉन्ड जो है इसकी मैं शिफ्टिंग इधर की साइड में कर देता हूँ,
इधर करूँगा तो यहाँ पर देखो चार्ज आएगा माइनस का और इसके ऊपर चार्ज आएगा यहाँ पर प्लस का, समझ रहे हैं। बॉन्ड की शिफ्टिंग करूँगा तो जिधर हेड भाग होता है वहाँ पर चार्ज माइनस का, जो टेल भाग है उस पर चार्ज प्लस का। तो इसका जो माइनस है वो माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ पर, इसका जो माइनस है वो अटैक करेगा इस सी प्लस के ऊपर। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है अपनी, पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट, सारी पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ से चेक करते जाएंगे कि कौन कौन सी जो पॉसिबिलिटी है वो आ रही है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है वो अपन ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से इस प्रकार से है, यहाँ से अब माइनस के ऊपर ये प्लस वाला जुड़ेगा तो मैं एक साइड में जोड़ देता हूँ सी, और इसके ऊपर सी एस थ्री तीन बार है, सी एस थ्री जो है वो तीन बार है, सी एस थ्री तीन बार और एक एच इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो साइड में लिख देता हूँ एक बार, ये बेंजीन की रिंग, ठीक है। इसमें यहाँ पर जोड़ देते हैं सी, सी एस थ्री जो कि तीन बार है, ये वाला इसके ऊपर जुड़ता है और एक एच इसके ऊपर है, ठीक है। पहले से बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है तो यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस का, ये चार्ज है प्लस का यहाँ से, और ये वाली बॉन्डिंग जो है वो इसमें पहले से थी, समझ में आया। बॉन्ड की शिफ्टिंग की तो माइनस आया, माइनस पर इसका प्लस जुड़ा, एच पहले से था, ये इसके ऊपर जुड़ गया एक बार से, ठीक है। तो एक बार से एडिशन हो गया मतलब योग हो गया, उसके बाद में इसको हटा देंगे दूसरे वाले को, तो प्रतिस्थापन हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर जुड़ा है तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग की तो यहाँ पर चार्ज प्लस का, तो प्लस का, बाकी बॉन्ड को अपने को छेड़ना नहीं। अब इसमें आ जाएगा अनुनाद, एक जैसी अनेक प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाती है जिसको अनुनाद के द्वारा जाना जा रहा है ना, अनुनाद। तो अनुनाद के लिए ये निशान लगाते हैं अनुनाद के लिए। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहाँ हो जाता है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके इसके ऊपर चला जाता है, तो इसमें क्या बनेगा यहाँ से, जैसे कि ये अपने पास है, इसके ऊपर ये सी है, सी एस थ्री जो कि यहाँ पर तीन बार है, इसके ऊपर है एच, ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये इधर गया तो यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस का, इस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, ये इधर गया तो यहाँ पर चार्ज बन जाता है प्लस का। तो पहले प्लस का यहाँ बना था, अब प्लस का यहाँ बना है। ये बॉन्ड एज इट इज है, इसको अपन जगह छेड़ना नहीं है, ये बॉन्ड ऐसा कैसा रख दीजिए जैसे कि पहले था। बॉन्ड एज इट इज होने के बाद में नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या आएगी, ये मैं रिंग बना देता हूँ एक बार, ये रिंग बनी, इसका जो ये वाला बॉन्ड है इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे इस वाली साइड, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे यहाँ वाली साइड पर। तो यहाँ वाली साइड पर बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो इसमें अब क्या आया, यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई थी, इसके ऊपर ये सी सी एच थ्री, ठीक है, जो कि तीन बार है, एच ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई, ये इधर गया तो यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस का, ठीक है, ये आ गया। ये जो तीन बने हैं अपने पास ये अनुनाद बने हैं, ये तीन जो है वो अपने पास अनुनाद बने हैं यहाँ तक जो बने हैं, ठीक है। और इसके ऊपर देखो चार्ज है प्लस का। अब मेन बात है यहाँ पर, यदि इस कार्बन है ये सी एस थ्री तीन जुड़े हुए हैं इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन को तो बोलते हैं यहाँ पर कार्बनायन। यदि अपने पास ओनली कार्बन है जो कि रिंग में नहीं है, बिना रिंग का है, तब तो उसको बोलते हैं कार्बनायन। और यदि ऐसा ही चार्ज बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाता है, बेंजीन के वलय के ऊपर आ जाता है, तब उसको बोलते हैं एरिनियम आयन। जैसे मैंने नीचे टॉपिक लिख रखा ना, तो ये जो बना है यहाँ पर एरिनियम आयन है, एरिनियम आयन का फॉर्मेशन। बात आई समझ, कि एल्किल हैलाइड अपने पास कोई है, उसमें से हैलाइड जब निकल गया तो अपने पास चार्ज प्लस वाला बना है, तो इसमें जो प्लस वाला चार्ज बना है इसको कार्बोकेटाइन या कार्बनायन बोला जाता है, जब रिंग नहीं हो। यदि बेंजीन की रिंग है या कोई अपने पास साइक्लिक कौन सी एरोमेटिक वाले अपने पास प्रेजेंट है, तो एरोमेटिक वाले की उपस्थिति के कारण जो अपने पास चार्ज आता है प्लस का चार्ज आता है, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ से एरिनियम आयन जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद में आगे क्या होता है, इसके बाद में आगे की साइड में जो रिएक्शन होती है इज इक्वल टू, यहाँ से इज इक्वल टू, इसमें क्या हुआ है कि इसका जो एच है ये प्लस तो यहाँ पर आ ही गया था, अब इसका जो एच है ये वाला एच, ये एच जो है वो शिफ्ट होके यहाँ चला जाता है, ये एच शिफ्ट होके यहाँ जाता है, इधर से एच शिफ्ट होके एच आ गया, यहाँ से इधर शिफ्ट होके यहाँ, यहाँ एच शिफ्ट हो गया तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और ये इधर शिफ्ट हुआ है तो एच प्लस का है वो यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ से बना क्या, यहाँ से बन गया अपने पास, ये तो साइक्लिक चैन है, इसमें ये बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ से बन गया, ये यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ऐसे शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। फिर यहाँ पर आ गया सी, सी पर जुड़े हुए हैं तीन सी एस थ्री जो कि जुड़े हुए हैं तीन, इस सी के ऊपर तीन सी एस थ्री जुड़े हुए हैं, तो ये वाला अपने पास बन जाता है जो अपने मेन प्रोडक्ट के रूप में देखा था, इसका जो मेन प्रोडक्ट था
वो इसका बन जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ से H निकला है प्लस का, इधर शिफ्ट हुआ है तो H प्लस का निकला है, प्लस यहाँ से निकल चुका है ये H जो है वो प्लस का, तो H प्लस का यहाँ से आउट हुआ। अब इस रिएक्शन में यहाँ से H प्लस आउट होने के बाद अपने पास जो मेन था AlCl4, जो इस रिएक्शन में अपने देखा था लास्ट AlCl4, AlCl4 जिस पर माइनस चार्ज था, वो क्या करेगा, इस H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से आउट क्या हो जाएगा, इसका जो AlCl4 है वो AlCl3 में चेंज हो जाएगा, AlCl3 में चेंज हो जाएगा, और इसका H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा और यहाँ बना लेगा HCl, AlCl3 प्लस HCl, तो इसका ये सेकेंडरी प्रोडक्ट लास्ट जो है वो ये आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन पूरी की पूरी यहाँ पर संपन्न होती है। अब आपने इसके अंदर एक बात और भी देखी है कि इज इक्वल टू यहाँ से प्रोडक्ट आया तो इसका एक अनुनादी संकर भी बनता है, ठीक है। अनुनादी संकर क्या होता है, जिसमें सभी के गुण जो आपने अनुनाद बनाए सारे इसमें सभी के गुण मौजूद हो। तो देखिए सभी के गुण मौजूद हैं तो वो कौन कौन से हैं, अपने पास ये था C, इस पर CH3 जो कि तीन बार है, यहाँ पर अपने पास है H और इसके ऊपर प्लस चार्ज सभी में घूम रहा है, आपको देखा आपने देखा यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी रिंग में प्लस चार्ज घूम रहा है, मैंने यहाँ से काटा क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से होने के बाद यहाँ चला गया, पूरे में नहीं है तो प्लस चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो अपने पास बनता है ना, फिनोल के अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं उस हिसाब से एरिनियम आयन जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बन जाता है। तो ये बनने के बाद में ये अपने पास अनुनादी संकर बना है, ठीक है, अनुनादी संकर, इसको अनुनादी संकर के नाम से बोलते हैं, अनुनादी संकर, और फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास ये आ गया, एच प्लस निकला, एच प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा, ए एल सी एल थ्री अलग हो गया और एच सी एल वो अलग हो गया। तो ये इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म थी जो आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हो इस आधार पर। इसी में मैंने सबसे ज़्यादा कार्बन की जो आपको बताई है मैकेनिज्म वो है, आप एक कार्बन की भी कर सकते हो, यदि आपके पास एक कार्बन वाला है, जैसे कि मैं इसी रिएक्शन में आपको दोबारा बताऊं, जैसे आप इसमें मैं आपको बिल्कुल फास्ट से एक और करवा के दिखा देता हूँ जो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। आपको ये तीन कार्बन की समझ में आ गई तो आप एक कार्बन की भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो मैकेनिज्म जितनी भी हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ उसके मैकेनिज्म लिखता हूँ, आप फटाफट इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ गया अपने पास C6H6 प्लस, ये आ गया अपने पास CH3Cl, निर्जल AlCl3, थोड़ा देखो फास्ट करके देखो इसमें आपसे हो पाती है क्या, निर्जल AlCl3 इज इक्वल टू मैंने इसका प्रोडक्ट क्या लिखा था, CH3 और HCl, यही है ना, इसका एक H है यहाँ से H, और इसके Cl से रिएक्शन करेगा जो कि प्लस का माइनस प्लस, तो यहाँ से CH3 जुड़ जाता है जिसको टोलुइन कहा जाता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या आएगी, क्रियाविधि मैकेनिज्म, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म क्या आ रही है, इसकी मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वैसे ही देखते जाइए, CH3Cl प्लस AlCl3 जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, सबसे पहले इसका CH3 प्लस बन जाएगा, CH3 प्लस प्लस AlCl4। हमने वो रिएक्शन मैन क्यों देखी थी, इसका कारण आपको पता है क्या, उसका कारण ये था कि जो कार्बोधनायन बनता है, जो कार्बोधनायन बनता है, मैंने जो पहले वाला बताया वो इसलिए बताया कि कार्बोधनायन जो बनता है उसमें थ्री डिग्री कार्बोधनायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन है वो कार्बोधनायन थ्री डिग्री देगा, तृतीयक देगा, ठीक है, फिर टू डिग्री देगा और फिर वन डिग्री देगा। मेरा कहने का मतलब है कि सी एच थ्री का होल थ्री सी प्लस है, ये सबसे अधिक रिएक्शन देगा, फिर यहाँ से सी एच थ्री का होल टू सी एच है प्लस, फिर ये देगा, फिर यहाँ से सी एच थ्री सी एच टू प्लस है ये देगा। तो इस प्रकार से थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री जो कार्बन बनाए ना वो रिएक्शंस देंगे, इसलिए मैंने वो करवाई थी। अब आप इसकी भी कर सकते हो आराम से, रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तो यहाँ से ये कार्बन बनाए ना सी एच थ्री प्लस, अब इसकी रिएक्शन आप बेंजीन की रिंग के अंदर करवाओ, ये अपने पास बेंजीन की रिंग थी, इसका एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को आप ऐसे करके दिखा दीजिए, प्लस इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए यहाँ से सी एच थ्री प्लस के साथ, ये सी एच थ्री प्लस, तो वैसे ही है जैसे कि पहले थी, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव इसको यहाँ से उठा के ले जाएगा और अपने ऊपर
जोड़ लेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बनने की संभावना है, अनुनाद जो बनने की संभावना है, पहले वो क्या आई इसके ऊपर देखिए, यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से एक एच है वो जुड़ गया और सी एच थ्री इसके ऊपर जुड़ गया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस का, यहाँ से घुमा तो प्लस का चार्ज, और ये बॉन्ड है वो एज इट इज इसके ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ से देखिए अनुनाद चालू हो गया, जो पहले बना था वैसे ही अनुनाद चालू हो गया। अब इसका नेक्स्ट अनुनाद जो है वो क्या बनता है, पहले मैं रिंग बना देता हूँ, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इसके ऊपर आ जाता है, ये वाला शिफ्ट होके इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर बना हुआ पहले से सी एच थ्री, इसके ऊपर है एच, ये इधर शिफ्ट हो गया तो बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस का, ये बॉन्ड एज इट इज बना हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में इसका जो बॉन्ड है ये वाला वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाता है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आता है, तो इसका जो नेक्स्ट कंडीशन में फॉर्मेशन होने की चांसेस है वो क्या है अपने पास, यहाँ से ये सी एच थ्री है, ये एच है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, बॉन्ड बन चुका है, ये इधर गया तो यहाँ से बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया प्लस का, ठीक है, यहाँ से घुमाते प्लस का चार्ज आ गया। इसके बाद में अगली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी, इसमें इस प्रकार से बना दीजिए, अगली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी इसकी, कि इसका जो एच है वो शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, एच शिफ्ट होकर इधर आता है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, यहाँ से एच शिफ्ट होकर आया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन एच शिफ्ट हुआ तो यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसके ऊपर आ गया सी एच थ्री प्लस, ये इधर गया तो यहाँ से निकल गया है एच का प्लस, एच प्लस जो वो यहाँ से निकल गया। तो टोलुइन जो है वो अपना मेन प्रोडक्ट है, वो तो अपने बनाया था टोलुइन, तो ये टोलुइन तो यहाँ से बन गया है, ये टोलुइन है, तो टोलुइन अपना मेन प्रोडक्ट है जिसको अपने यहाँ से बना लिया है टोलुइन। अब एच प्लस है वो क्या करेगा यहाँ से, अब ये पूरा को पूरा ये इतना है वो क्या है यहाँ पर, एरिनियम आयन, और ये एच प्लस है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये ए एल सी एल फोर माइनस है, इसके ऊपर माइनस लिखना है, ठीक है, ए एल सी एल फोर, तो यहाँ से ये ए एल सी एल फोर जो है ये नंबर टू रिएक्शन थी, नंबर थ्री रिएक्शन क्या आएगी, ए एल सी एल फोर माइनस, ये रिएक्शन करेगा एच प्लस के साथ, तो एच प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ए एल सी एल थ्री बचाई, ए एल सी एल थ्री प्लस इसका एच इसके सी एल से रिएक्शन करेगा और बना लेगा एच सी एल, ए एल सी एल थ्री और एच सी एल, यहाँ से ए एल सी एल थ्री एज इट इज़ वापस प्राप्त हो गया, एच सी एल यहाँ से निकल गया, तो ये इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट एच सी एल है, वो भी अपने आप बन जाता है। ये जो बनता है इसको एरिनियम आयन बोलते हैं, और इसका अनुनादी संकर कैसे बनता है, वैसे ही जो मैंने पहले बनाया था, इसके अंदर यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ एच है, इस पूरे में क्या घूम रहा है प्लस, ठीक है, तो ये एरिनियम आयन जो अपना है इतने सारी अपने पास हैं या अनुनादी संकर, तो इसका अनुनादी संकर मैन ये बनता है जिसके ऊपर अंदर प्लस घूम रहा है पूरे में, इधर सी एच थ्री इधर एच। तो अभी अपने ये देखिए रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिससे कि अपन जो हेलो एरिन है, ठीक है ना, जो अपने पास हेलो एल्केन है, उस हेलो एल्केन से अपन जो अपने पास मिथाइल बेंजीन है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिथाइल बेंजीन प्राप्त करने की ये बहुत ही अच्छी और उन्नत किस्म की विधि है, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हो मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण के नाम से जानी जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आप इसको करने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल से आप इसको दो चार बार निकालोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगी। तो मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।